माननीय सचिन जी पायलट। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस पद पर आसीन होने के लिए। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरा रही है सदन में कि हमेशा चुनाव सर्वसम्मति से हो, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और जिस गर्म माहौल में चुनाव हुए, उसके बाद जब स्पीकर के चुनाव की बात आई तो हम में से कुछ लोगों ने सोचा कि इस बार स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन फिर जब अखबार से पता पड़ा कि हो सकता है आपका नाम सामने आए, फिर हम सब ने मन बनाया अगर देवनानी जी बनेंगे तो चुनाव सर्वसम्मति से होगा, क्योंकि आप सदन में बहुत ही एक एक्टिव सदस्य रहे। हम सब ने आपका विपक्ष के नाते, सरकार के नाते कई बार आपने सदन में अपनी बात को रखा, आपका लंबा अनुभव रहा। और ये बात सही है कि जो परिपाटी बनी हुई है उसकी पालना आप पूरी तरह करेंगे। मैं विपक्ष की तरफ से, अपने दल की तरफ से उम्मीद करता हूँ कि आपका हर निर्णय, आपकी हर रूलिंग न्यायपूर्वक होगी। और सदन में अब आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं, इस बड़े पद पर बैठकर आप इसको और गौरवशाली बनाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। और आने वाले समय में जो संवाद होगी, जो चर्चा होगी, और हम लोग इस सदन के अंदर बहस करने के बाद जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, नए कानून बनेंगे, बजट पारित होंगे, चर्चाएं होंगी, लेकिन इसमें आपकी भूमिका बहुत अहम रहेगी। क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तो बहुत जुझारू सदस्य थे, आप समझ सकते हैं कि जज्बे के साथ मैं बातों को बोल रहा हूं, तो आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे और समय का आवंटन हो या रूलिंग हो उसमें आप पूरी हमदर्दी के साथ हम सब विपक्षी लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका कार्यकाल बढ़िया हो और आप इसके बाद और बड़े पदों पर जाएं, इस उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत बधाई।